So that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of base. कुछ याद है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं. राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम. कर्व सरफेस होती है पाई आर एल और लिस्ट करना है इसको हमें और गिवन में दिया है वॉल्यूम. वॉल्यूम गिवन है इसको लिस्ट करना है. एल को कन्वर्ट कर सकते हो पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये पता है ना फॉर्मूला? नहीं पता होगा तो बस जान जाओ एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच. हाँ याद आ गया, ये टेंथ में पढ़े थे. हाँ तो वॉल्यूम में से वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है तो हम एच की वैल्यू निकाल रहे हैं. पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की वैल्यू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर के पावर 4 और ये वाला प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 4. ये पाई स्क्वायर कट गया, ये आर स्क्वायर से ये कटा आर स्क्वायर आया तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 4. ये a निकल के आया. इस एरिया को हमको मिनिमाइज करना है तो डबल डिफरेंशिएट पहले सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे यह आ जाएगा माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यू प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यू. अब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे इसको सॉल्व कर रहे हैं देखना. आर क्यूब उधर चला गया 4 पाई स्क्वायर आर के पावर 6. वी स्क्वायर है यहाँ पे v की वैल्यू ये इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं. v स्क्वायर है ध्यान देना उसका स्क्वायर कर रहे हैं 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर के पावर 6. पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया 9 से ये गया 2 टाइम्स में 2 × 2 × 2 × 4 आर 6 है आर 4 है तो आर स्क्वायर बचा तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर. आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा. डबल डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान देना. देखो हमने डबल डिफरेंशिएट किया इस चीज का डबल डिफरेंशिएट करेंगे उसमें ये x की वैल्यू को पुट करना है लेकिन कोई जरूरत नहीं है. हमने ये बताया था आप लोगों को कि अगर हमारा डबल डिफरेंशिएट आ रहा है तो ये जरूरी नहीं होता है कि लिटरली उसमें वैल्यू रख के हम चेक करें कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. अगर आपको ये समझ में आ रहा है देख करके कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो जेन्युइन रीजन दे करके हम बता सकते हैं. जैसे आप आर की वैल्यू पॉजिटिव है. हाँ आर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर कभी नेगेटिव नहीं होगा किसी भी सेंस में. पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव आएगा एंड देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन 0. तो हम कह सकते हैं दैट इज एरिया जो है वो लिस्ट है.
एरिया लिस्ट हो गई एंड एच इज इक्वल टू रूट टू आर, ठीक है, एच इज इक्वल टू रूट टू आर पर एरिया लिस्ट हो गई, यही वाला पॉइंट उसमें आगे लिखा था कि हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, अल्टीट्यूड इज रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। क्वेश्चन में दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट होती है, एक गिवन क्या है और एक क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। गिवन यहाँ पे वॉल्यूम था और एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, हमने सिर्फ उतना ही पार्ट क्वेश्चन से लिया था, सॉल्व किया, विद इन सॉल्विंग जो स्किप कर दिया पार्ट वो अपने आप आ जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यही हमने तरीका बताया था। ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आफ्टर 25th क्वेश्चन, 24, 25th क्वेश्चन ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और गिवन स्लैंट हाइट है और ये एंगल गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल ये पूरा वाला हुआ, सेमी मतलब आधा, तो आधा ये एंगल हमको गिवन है क्वेश्चन में। ऐसे ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, हम कोई भी एक ले सकते हैं जो हमारा मन करे, तो हम ये वाला ले रहे हैं, ये स्लैंट हाइट हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है हम, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ना आर की वैल्यू हमको पता है ना एच की वैल्यू पता है, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये हमारा एच हो गया, ये हमारा आर हो गया, और ध्यान देना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेस इसको लेंगे इसको परपेंडिकुलर, 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है आपको कि अगर ये एंगल दिया है तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो हमारे पास r अपॉन l, r इज परपेंडिकुलर, l हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा, तो r की वैल्यू हो गई l साइन अल्फा, और इसी तरह आप h की वैल्यू निकाल लोगे l cos अल्फा। ये r और h की वैल्यू इस बेसिस पर निकल के आएगी, ये h अपॉन l करेंगे cos अल्फा आ जाएगा, तो h की वैल्यू l cos अल्फा, ये दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे, r की जगह l sin अल्फा, तो मतलब ये l स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, और h की जगह l cos अल्फा, तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1/3 पाई l क्यूब sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। हम एक हिंट देके छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, पूरा नहीं करना है, dv अपॉन d अल्फा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, अब इसको हम डिफरेंशिएंगे, ये प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट होगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा, ये इतना निकल के आएगा, डिफरेंशिएट भी तुम कर सकते हो। देखो ये आया हमारा माइनस साइन क्यू और ये आ गया हमारे पास कॉस अल्फा इंटू साइन क्यू अल्फा, प्रोडक्ट रूल लगाए हम, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। फिर डीवी बाई डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे, तो ये पाई एल क्यूब अपॉन 3 पूरा जीरो में चला गया, ये आ गया साइन क्यूब अल्फा is equal to cos alpha और sin 2 alpha, यहाँ sin 2 alpha को खोल दे रहे हैं, एक sin alpha एक sin alpha कट गया, तो ये आ गया sin square alpha is equal to 2 cos square alpha, sin square alpha को 1 minus cos square alpha कर दोगे तो ये आ गया इतना, तो ये आ गया 1 is equal to 3 cos square alpha, cos square alpha is equal to 1 upon 3 और cos alpha is equal to 1 upon root 3, cos alpha यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब हम double differentiate करेंगे, double differentiate इस पूरे का, हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, इसको double differentiate कर लेना, ये जो मैक्सिमम या मिनिमम है वो निकल के आ जाएगा, मैक्सिमा लाना है दैट इज लेस देन जीरो आ जाएगी,
माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा तो पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे ख्याल से इसको। ठीक, तो ये आपका नेगेटिव आ गया, तो दैट इज मैक्सिमा आ गया। अब हमको करना क्या है कि ये जो कर्व है कि सेमी वर्टिकल एंगल है, उसकी वैल्यू टेन इनवर्स रूट टू है, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई है, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो √1 - cos² अल्फा 1 - 1/3, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/3, तो √2/3। ये साइन अल्फा निकल के आया, साइन अल्फा आ गया, कॉस अल्फा आ गया, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, दिस अपॉन दिस √3 √3 कट जाएगा, तो ये आ गया 1/√2, अरे सॉरी √2/1, तो टेन अल्फा की वैल्यू √2 हो गई, तो आप ये कहो कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टेन इनवर्स रूट टू, ये प्रूफ हो गया। ठीक ठीक है, तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 आपका हट गया सिलेबस से, अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक से था, अब अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम, अरे इसका मिसलेनियस का बुक हो तो खोल लेना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, खाली नोट कर रहे हो। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू log x upon x has maximum value at x is equal to e, ये वही maximum minima है जो अभी हम लोग recently लगा रहे थे, कोई difference नहीं है। तो कैसे maximum करते हैं, एक बार differentiate करेंगे, equal to zero करेंगे, double differentiation निकालेंगे, उसमें value put करेंगे, nothing new, तो एक बार differentiate करेंगे, quotient rule लगेगा differentiation में, x into 1 by x minus log x into 1 divided by x square, इसको solve करोगे 1 minus log x upon x square, keeping this value equal to 0, so 1 minus log x whole x square equal to 0, 1 minus log x is equal to 0, log x is equal to 1, that means log x is equal to log e, 1 का मतलब log e होता है, कई बार इंटीग्रेशन करते समय भी पढ़ चुके हो, डिफरेंशिएशन में भी स्टार्टिंग में बताया नोट किए होती है, नोट किया करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू e निकल के आ गई, x की वैल्यू e आ गई। नाउ जब x की वैल्यू आ गई, अब डबल डिफरेंशिएट आप करोगे, ये वैल्यू आपके पास डिफरेंशिएशन की आई थी, अब इसका आप डबल डिफरेंशिएशन निकालो और उसमें आप x की जगह e रख दो, x की जगह e रख दोगे, ये लेस देन 0 आ जाएगा, दैट इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e। अब उतना डबल डिफरेंशिएशन शायद आप निकाल सकते हो, इसलिए हमने छोड़ दिया उतना काम। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन आउट ऑफ सिलेबस, रेट मेजर का क्वेश्चन है, रेट मेजर आपका हट गया सिलेबस से, इसमें हम लोग को इसमें कर्व का और टेंजेंट का मालूम पड़ गया है कोऑर्डिनेट, और नॉर्मल का पूछा है, तो अब स्लोप निकाल लेंगे। हाँ, देखो हम स्लोप निकाल रहे हैं। हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है, dy by at the given point क्वेश्चन में (2) हम पुट कर देंगे 2/2, ये 1 आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ पुट कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। हां, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 की वैल्यू 2 है, ये देखो स्लोप -1, x - x1 की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर रफ कर दे,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मीनिंग समझा रहे हैं तुमको। जैसे सपोज करो ये कर्व दिया है, ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल आया, ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, इतना समझ में आता होगा। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नॉर्मल बना है ये ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। मान लो ये बना आपका एक्सिस, ये आया ओरिजिन, तो ये जो नॉर्मल आपका गया है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो कह रहा है दैट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन में कह अच्छा, इसमें कांस्टेंट का मतलब कि इससे जो है वो कोई एक एग्जैक्ट नंबर है। हाँ अच्छा, हम ये सोच रहे थे कि कांस्टेंट का मतलब कि कहीं नहीं, वो एक कांस्टेंट एक नंबर है वो। अब हमें अगर इसको करना है तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी। नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के उसके ऊपर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ये 11th में एक फॉर्मूला था, तो पहले नॉर्मल की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे dx by d theta करेंगे हम लोग। dx by d theta हमारा आ जाएगा a sin, ये माइनस a sin theta प्लस a theta cos theta प्लस sin theta। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a theta cos theta। सिमिलरली dy by d theta निकालोगे तो ये आ जाएगा a theta sin theta। तो dy by dx that is ये a theta कट गया, ये tan theta आ गया। Therefore slope of normal अगर निकालोगे तो slope of normal minus 1 upon tan theta आया, that is equal to minus cot theta आ गया। थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर दिए बट बेसिक स्टेप है, आई थिंक आपको पता होगा। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, एक्स अरे वाई माइनस वाई वन। वाई वन क्या लेंगे, यही हमारा वाई वन बन गया, यही हमारा एक्स वन बन गया। तो वाई माइनस वाई वन मतलब ये हो गया ए साइन थेटा माइनस ए थेटा कॉस थेटा। हाँ, ये जो tan theta आया ये आप किसका स्लोप निकाले? टेंजेंट का, भूल गए? ये जो ऊपर दो इक्वेशन दी ये किसकी है? ये कर्व की इक्वेशन है, क्वेश्चन देखो ना बेटा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ समझ गया, ठीक है। डीवाई बाई डी एस तो हमेशा टेंजेंट का स्लोप होता है। हाँ ठीक है। अब उसमें एक्स वाली वैल्यू, हाँ एक्स माइनस ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो साइन थीटा वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे ख्याल से कैलकुलेट तो कर ही लोगे, खोल लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये और ये पार्ट कट गया आपका और ये इधर आ जाएगा। तो y sin theta plus x cos theta plus a कॉमन आ जाएगा sin square theta plus cos square theta is equal to zero। तो y sin theta plus x cos theta plus a is equal to zero, ये इक्वेशन निकल के आई हमारी। माइनस प्लस गलत नहीं ना है, वाई माइनस वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन। हाँ ठीक है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है, इसकी इक्वेशन आ गई, देखो नॉर्मल की इक्वेशन लिख दे यहाँ पे, y sin theta plus x cos theta plus a is equal to zero, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन कह रहा है इस नॉर्मल की इक्वेशन पे ओरिजिन से डिस्टेंस डाला गया, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? हमें नहीं मालूम, ये रब कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें पिछले साल वाला तरीका लगा, हाँ एक फॉर्मूला था, हम बता रहे हैं क्या फॉर्मूला था, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ये एक्स वन वाई वन से एक डिस्टेंस डाला गया, ये इस डी का फॉर्मूला होता था, ए एक्स वन प्लस बी वन बी वाई वन। हाँ ये फॉर्मूला था, इसमें ए बी की वैल्यू हमारी साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारे पास आ गई, और सी की वैल्यू जो है वो ए हो गई, तो पुट कर देंगे एक्स वन और वाई वन ये जीरो जीरो हो गए हमारे, तो अब फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो ध्यान देना, साइन थीटा इंटू जीरो कॉस थीटा इंटू जीरो प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की वैल्यू वन हो गई, सिर्फ क्या बचा ए, दैट इज कॉन्स्टेंट बच गया जो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, ये प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा, गलत लिखा था, मॉडुलस में माइनस मतलब हो गया आपका प्लस है। ठीक है इतना? हाँ सर। हाँ इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, एफ एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, आप एफ डैश एक्स निकालोगे इक्वल टू जीरो करोगे, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी, ध्यान देना, कुछ ऐसा करते थे आप, याद है? हाँ सर। एक वेरी गुड, तुमको भी याद है, मतलब सुनाई दे रहा है, ये तीन इंटरवल बनेंगे, अब इस इंटरवल में चेक करते थे माइनस वन से एक छोटी वैल्यू रख के एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, अगर वो नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग हो गया, अगर वो पॉजिटिव आया तो हाँ, हो गया, चार्ट बनाएंगे वैसे, टेबल बना करके करते थे, वो कर लेना,